हेलो एंड वेलकम टू लर्न इंग्लिश लाइव आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नोटिस के बारे में व्हाट इज़ नोटिस इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो नोटिस है मेमोरंडा है मेमोरंडा हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हम एक तो नोटिस को डिस्कस करेंगे फिर हम फॉर्मेट ऑफ नोटिस देखेंगे और लास्ट में हम एग्जाम्पल ऑफ नोटिस देखेंगे सो so, नोटिस है क्या नोटिस एक रिटन या प्रिंटेड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो एक स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए होता है या स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए होता है नोटिस एक फॉर्मल मीनस ऑफ कम्युनिकेशन है और आपने देखा होगा आपके स्कूल्स में कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जो नोटिस है ये एक कॉमन एरिया पे पिन किया जाता है जो डिस्प्ले बोर्ड होते हैं हमारे स्कूल्स में या पब्लिक प्लेसेस पे या कॉलेज में नाउ इम्पॉर्टेंट बात याद रखने वाली ये है कि नोटिस जो है इट शुड नॉट बी मोर देन फिफ्टी वर्ड्स तो इसमें जो है मेन मेन पॉइंट्स लिखना होता है नोटिस में हम क्या क्या लिखते हैं या तो कोई इवेंट के बारे में होता है या कोई इनाग्रेशन सरमनी होगी उसके बारे में नोटिस होती है कोई फंक्शन होगा एनुअल डे फंक्शन टीचर्स डे या पिकनिक वगैरह होगा उसके लिए नोटिस होता है या कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन के लिए सो लेट्स सी फॉर्मेट ऑफ नोटिस राइटिंग सबसे पहले रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है और टॉप पे लिखना है नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन उसके जस्ट बिलो लिखना है नोटिस और लेफ्ट हैंड साइड में डेट लिखना है फिर नीचे मिडल में लिखना है टाइटल ऑफ़ द नोटिस ये एनुअल डे सेलिब्रेशन है टीचर्स डे सेलिब्रेशन है जो भी है और उसके नीचे बॉडी आएगा बॉडी के नीचे आएगा सिग्नेचर नेम एंड डेजिग्नेशन सो so, वो हम यहां पे देखेंगे फॉर्मेट ऑफ नोटिस लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि बॉडी ऑफ नोटिस में हम क्या लिखें बॉडी ऑफ नोटिस में सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है वट वट इज इट अबाउट ये नोटिस जो ये इंफॉर्मेशन uh, हम दे रहे हैं ये किस बारे में है हु इट इज एड्रेस टू ये किसको एड्रेस किया गया है एंड वायर प्लेस ऑफ द इवेंट वायर इज द इवेंट गोइंग टू हैपन when when is the event going to happen whom to contact now listen yahan pe sabse pehle upar humne likha name of the organization uske below likha notice fir left hand side mein date fir niche middle mein title ya headline उसके बाद body और उसके नीचे में left hand side में signature name and designation now see Uh, यहाँ पे नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर लिखा है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शुपियन उसके बाद नोटिस उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ डेट था तो यहाँ uh, uh, okay? तो हमने ट्वेंटी देन देयर वॉज टाइटल एंड हेडलाइन ओके तो यहाँ पे टीचर्स डे सेलिब्रेशन हमने एग्जाम्पल के तौर लिखा देन बॉडी बॉडी में दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स नाउ हु इज इज इट इट टू टू स्टूडेंट्स कॉलेज टीचर्स डे फंक्शन तो कंटेंट क्या है कॉलेज टीचर डे फंक्शन है यहाँ पे सो टीचर्स डे एनुअल फंक्शन ओके विल बी हेल्ड ऑन ट्वेंटी थर्ड डिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी टू फ्रॉम एलेवन थर्टी ए एम टू थ्री थर्टी पी एम तो कहाँ पे होगा कॉलेज में होगा किस डेट को होगा ट्वेंटी थर्ड डिसंबर को होगा नाउ डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन डॉक्टर ए बी सी जो भी नाम है ओकेजन एज चीफ गेस्ट ये बंदे यहाँ पे आ रहे हैं so, सो आपको सारी इंफॉर्मेशन दी गई है नाउ एवरी स्टूडेंट नीड्स टू कंटेक्ट देयर रेस्पेक्टिव क्लास टीचर्स फॉर एनी क्वाइरीज अगर कोई भी क्वायरी होगी तो आपको किन को कंटेक्ट करना है जो भी आपके रेस्पेक्टिव टीचर्स है लास्ट में लिखना है सिग्नेचर uh, डेजिग्नेशन और नेम और उसका डेजिग्नेशन तो यह है एग्जाम्पल नोट्स राइटिंग का आपने इसमें देखा वट इज इट अबाउट वो भी है कि किसके बारे में टीचर्स डे फंक्शन हु इज इट एड्रेस स्टूडेंट्स को एड्रेस किया गया है प्लेस ऑफ द इवेंट कॉलेज है कब हो रहा है ट्वेंटी थर्ड दिसंबर इलेवन थर्टी टू थ्री थर्टी होम टू कंटैक्ट अगर कोई ग्रीवेंसीज होगी कोई कंटैक्ट होगा कुछ भी क्वायरीज होगी तो आप किन को कंटेक्ट करोगे रेस्पेक्टिव टीचर्स को सो this is example of notes writing and we discussed what is notes we discussed the format of notes then we discussed example of notes writing i hope you video samaj mai and kindly do subscribe and press bell icon so that you will get notified whenever we upload a new video happy learning keep sharing god bless you